हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेल पॉलिश को घर पे बनाने का तरीका। तो ये जो आप नेल पॉलिश मेरे हैंड्स पे लगे हुए देख रहे हो, ये मैंने खुद से घर पे रेडी किया है और बहुत ही आसान तरीके से रेडी हो जाता है और 1 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। ज़्यादा आपका समय भी नहीं लगता और बिल्कुल जी रेडीमेड नेल पॉलिश के जैसा ही बनकर रेडी होता है। और आप इसे वाटरप्रूफ भी कर सकते हो और मैंने इसे वाटरप्रूफ बना लिया है। अभी आपका ये 2 से 3 दिन आसानी से चल जाएगा, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से काफ़ी कलर्स के जो भी आपको चाहिए वो कलर के आप नेल पॉलिश घर पे रेडी कर सकते हो और इसमें आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। अगर आप मार्केट से कोई भी कलर की नेल पॉलिश लेकर आते हो तो मिनिमम 50 की आती है वो, और अगर आप इस तरीके से घर पे रेडी करते हो तो आप एक नेल पॉलिश के प्राइस में कम से कम 4 से 5 नेल पॉलिश बाय कर सकते हो और उसके कलर्स घर पे रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसे कैसे रेडी की है और इसका फुल डेमो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाया है और कैसे इसको हमने वाटरप्रूफ किया है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज, आपको ये वाला कलर चाहिए, जैसे कि ये एक्रीलिक कलर्स होते हैं। तो ये जो कलर्स होते हैं गाइज, आपको कहीं से भी स्टेशनरी की शॉप पर से मिल जाएंगे आसानी से। और इसकी एक और बात अच्छी है कि ये काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट के होते हैं, ज़्यादा इनकी कॉस्ट भी नहीं है। ये जो मेरे पास पीस है, इसका जो प्राइस है गाइस, ये है इसकी MRP इन्होंने दी हुई है 20 रुपीज़, ठीक है। तो 20 रुपीज़ की ये पूरी फुल बॉटल है और अगर इससे आप रेडी करते हो नेल पॉलिश तो काफ़ी बार ट्राई कर सकते हो। तो जितनी आपकी नेल पॉलिश की बॉटल में होती है नेल पॉलिश, उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा नेल पॉलिश इससे आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के ये कलर्स होते हैं गाइस। तो चलिए हम अप्लाई कर लेते हैं। और इस टाइप का आपके ब्रश चाहिए, जो पेंट ब्रश होते हैं वही मैंने लिया है, ठीक है। तो इसी से आसानी से ये जो कलर है हमारे नेल्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए कितनी स्मूथली से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे तो ये ऐसे ही लगा हुआ बहुत ही प्रीटी लगता है, दूर से बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने नेल पॉलिश लगाई है या फिर कलर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। बट हम इसको ऐसे ही अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको फुल वाटरप्रूफ बनाएंगे ताकि ये हमारी नेल पॉलिश लॉन्ग लास्टिंग रहें और काफ़ी समय के लिए चल जाएँ। और मेरा गला भी 1-2 दिन से ख़राब हो रहा है, तो इसीलिए अच्छे से मैं जो आपको बता नहीं पा रही हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए मैंने अप्लाई कर लिया है नेल पॉलिश को, देखिए कितना प्रेटी लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपने दूसरे हैंड पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। तो दोनों हैंड्स पे अप्लाई करने के बाद हम इसे वाटर प्रूफ बनाएंगे। तो ये वाले हैंड पे मैंने अभी नहीं लगाया, मैं लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमने क्या करना है। तो देखिए गाइस, मैंने दोनों हैंड्स पे अप्लाई कर लिया ये जो पेंट कलर है। तो वैसे तो ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, बट हम इसको अगर हम वाटरप्रूफ भी बनाएंगे और इस पर एक थोड़ी सी शाइन भी आएंगी, जिससे कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे ये नेल पॉलिश ही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इसको ऐसे लगाते हो ना, वैसे तो ये ऐसे अच्छी लगेगी, बट अगर आप पानी में हाथ डालोगे तो ये ख़राब हो जाएगा और इसका जो कलर है वो फैल जाएगा, ठीक है। तो आपने ऐसे इसको नहीं रखना है। अगर आपने पानी में हाथ नहीं डालना है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, बट मैं तो यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इसको वाटरप्रूफ कर लें, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये जो है क्लियर नेल पॉलिश है, ये आपको चाहिए। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, जैसे कॉस्मेटिक की शॉप से मिल जाता है ये। और ये जो बॉटल है ये 10 से 15 रुपीज़ की होती है,
ठीक है, तो आसानी से मिल जाएगी आपको। अगर आपको नहीं मिल रहा ये वाला क्लियर नेल पॉलिश, तो आप घर पे भी डायरी कर सकते हो। इस पे भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो कि हम क्लियर नेल पॉलिश को घर पे कैसे रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लगाने के दो फायदे हैं हमें। एक तो ये कि हमारी जो नेल पॉलिश है वो वाटर प्रूफ हो जाती है। सेकंड ये कि नेल पॉलिश पे ना एक अच्छी सी शाइन आती है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी शाइन आती है इस पे। इसकी जो लुक है बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो अभी मैं अपने दोनों हैंड्स पे इसे अप्लाई करूँगी। तो अगर आपने इसे रिमूव करना हो तो गाइस, इसे रिमूव करने का सेम वे है, तो वो आप इसे रिमूवर से रिमूव कर सकते हो। जैसे जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उससे आपने रिमूव करना है, अगर बाद में आपको इसे रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, वैसे इसका मैं बता दूं आपको, 2 से 3 दिन आसानी से इससे निकल जाएंगे, मे बी ज़्यादा दिन भी आपके इससे निकल जाएँ, तो आसानी से ये 2 से 3 दिन तो टिकी रहती है और बिल्कुल वाटरप्रूफ बन जाती है। ठीक है, तो देखिए कितनी अच्छी शाइन आ गई है क्लियर नेल पॉलिश पॉलिश लगाने के बाद। तो इसमें और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं गाइस इस कलर्स में, तो आप जिस भी कलर का चाहो नेल पॉलिश रेडी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर आपको कोई कलर मिल नहीं रहा आपकी ड्रेस से मैचिंग, तो आपके पास एक ऑप्शन है ये वाला, आप आगे से जोर से ट्राई करना कि आप ये वाला एक्रिलिक कलर ले लेना, और एक ले लेना आप क्लियर नेल पॉलिश। ठीक है, तो फिर आप अपनी ड्रेस से मैचिंग कोई भी नेल पॉलिश घर पर रेडी कर सकते हो। तो आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे नेल पॉलिश नहीं मिली। तो कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि जो मिलते नहीं हैं मार्केट में, तो आप 2 कलर को मिक्स करके एक नया कलर भी क्रिएट कर सकते हो, तो आपकी न्यू कलर की नेल पॉलिश बनके रेडी हो जाएगी। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ठीक है गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।